नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। भारतीय युवा कांग्रेस के पद ग्रहण समारोह का आज हुआ आयोजन। अग्रसेन नगर के अंदर बड़े कांग्रेसी लीडरों तथा कार्यकर्ताओं के साथ आज पद ग्रहण अशोक कुलड़िया को, जो कि युवा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनको पद ग्रहण कराया गया। हालांकि पूर्व जिलाध्यक्ष जो युवा जिलाध्यक्ष थे संजय, उनके द्वारा किसी बात को लेकर अतराज भी उठाया गया, परंतु बड़े नेताओं के द्वारा संजय को समझा बुझाकर उनकी जो मन के अंदर कन्फ्यूजन था उसको दूर किया गया और उनको भी मंच पर जगह दी गई, मंच पर उनको बैठाया गया और कांग्रेस ने आपसी बातचीत कर जो समस्या एक बार आई थी उसको आपस में समझाइश से शबनम गुदारा के द्वारा, अन्य नेताओं के द्वारा संजय को समझाकर और उनकी जो पीड़ा थी उसको दूर किया गया और मंच पर बिठाकर फिर यह पद ग्रहण कार्यक्रम समारोह चला। आइए आपको नए जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस के जो बने जिला अध्यक्ष अशोक कुलड़िया जी, उनसे बातचीत कराते हैं कि उनका इस संबंध में और नवनियुक्त होने के संबंध में क्या कहना है। जिला मुख्यालय पर पद ग्रहण समारोह रखा गया। कांग्रेस, युवा कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन का कार्यक्रम और स्वागत का कार्यक्रम रखा गया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आभारी व्यक्त करता हूं इन सभी लोग साथियों का, क्योंकि बहुत ही छोटे अंतराल के अंदर, बहुत ही छोटे रात को लेट इनको बताया गया और बड़ी जल्दी इन्होंने तैयारियां करके इतना अच्छा प्रोग्राम किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। सभी साथी युवा कांग्रेस के सभी मिलके हम लोग कांग्रेस का झंडा ऊंचा करेंगे। जो काले कानून है, जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। आम आदमी की बात उठाएंगे, पूरे ज़िले में गाँव डाणी डाणी जाकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, ताकि हर एक आम आदमी, गरीब आदमी और जो डाणी का गरीब को गणेश मानकर जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है उनको डाणियों गाँव तक पहुँचाया जाए। जी, मेरा छोटा भाई है संजय, एक मैं कहना चाहूँगा, जो वो उसका निजी विचार हो सकता है, मेरा निजी विचार कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सब एक परिवार के जैसे हैं। उसको जो भी मेरे को मान सम्मान आज मिल रहा है, जो मैंने वो एक अलग बात है, वो एक पार्टी के प्रति जो मेरा समर्पण था या जो मेरी मेहनत थी वो एक अलग चीज़ है। संजय का दुख है, दर्द है, वो मैं भलीभांति समझ सकता हूँ, उसकी एक वो विषय एक अलग है, दोनों को एक साथ जोड़ के ना देखा जाए, ये मैं आपसे निवेदन करूँगा। और मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि वो संजय भाई अब क्या पूर्व जिला अध्यक्ष हो गए हैं, ठीक है, मैं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जो पार्टी का अब सुनिए तो मैं पूरी बात करूँ, पूरी बात बता रहा हूँ, पूरी बात बताऊँगा मैं, तो वो एक अलग विषय है कि वो पूर्व जिला अध्यक्ष हो गए हैं और मैं नवनियुक्त हूँ। साथियों, बात ये है कि हम सबको कांग्रेस, युवा कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करना है और इसे मजबूत करना है। जो भी मैंने बात सुनी, उसका दर्द सुना, हालांकि संजय के लिए हमारे पारिवारिक ताल्लुक हैं, मेरे जोन नंबर 7 से मैंने, मेरी जगह सामान्य की सीट थी, वहाँ पे संजय भाई ने आग्रह किया कि भाई मैं यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरे परिवार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो कि जिला परिषद ऊपर जिला प्रमुख की सीट रिजर्व्ड है और यहाँ आप हमारी मदद करें। तो मैंने तन मन धन से, निस्वार्थ भावना से संजय के परिवार के जो प्रियंका जी थे वहाँ से चुनाव लड़े और उनको जिता के जिला परिषद सदस्य बनाया है। इसी तरीके से हमारे पारिवारिक संबंध है, ये एक नाराज की पारिवारिक संबंध आज बेंच पर आ गए। नहीं, सुनिए तो सही, ये एक पार्टी का प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने अपनी बात रखी, उनका दिल से स्वागत है संजय भाई का, वो कोई दूसरे नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है और उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ये बात मान लें कि अब जो आपका अंदरूनी मामला था वो सुलट गया। मामला एक्चुअल में था ही नहीं कुछ भी, पार्टी के संगठन के स्तर का कोई मामला नहीं था, जो बातें थी एक उनके दिल में जो बात थी उन्होंने आज रखी, क्योंकि संपर्क नहीं हो पाया कुछ दिनों से, वो व्यस्त थे, मैं भी व्यस्त था, शादी का प्रोग्राम था घर में, निजी मेरे कल शादी थी, एक बार गया हुआ था मैं, जो भी बात हुई और वो एक अलग विषय था, उनको उचित मंच पे उनकी बात को रखा जाएगा, मैं भी उनकी पैरवी करूँगा, वो मेरा छोटा भाई है और उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी और यूथ कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज के कांग्रेस पार्टी के द्वारा पद ग्रहण कार्यक्रम के समारोह के संबंध में जिया रहमान से भी बातचीत की गई, उनका क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। कुलड़िया जी का शपथ ग्रहण समारोह था, इसमें एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि मुझे अध्यक्ष बना रखा था, इस बात को लेकर क्या है मामला? देखिए, मैं बताऊँ, ये मामला मेरे पास अभी आया है, जब राहुल गांधी जी की जब विजिट हुई थी उससे पहले यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए थे गणेश गुगरा जी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष जो हैं वो अशोक कुलड़िया जी को और गंगानगर के गौरव सारंग जी को बनाया गया,
तो मेरी जो उन्होंने मुझे सूचना दी वो मेरे पास यही है। अब संजय जी ने आज मुझे बताया, हालांकि मैं तो 8-9 बार यहाँ विजिट कर चुका हूँ जब से पालिका चुनाव से लेकर आज तक, तो मैं उनसे एक बार और बात कर लूँगा। वैसे घर का मामला है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पर सब एक है। सर इतना स्टेज पर हंगामा हुआ घर का मामला? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये मैटर मेरे पास आ जाया है। मैं जो यूथ कांग्रेस के जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं या यूथ कांग्रेस जिस लेवल पर बात करनी है, मैं उनसे बात करूँगा। थैंक यू। हालांकि जिला प्रभारी के द्वारा ये बताया गया कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के रूप में चलती है और सभी को साथ लेकर आगे भी चलेगी और युवा शक्ति का प्रयोग आने वाले समय में पार्टी के स्तर से हम जो अच्छे कार्य के लिए करेंगे और विकास के लिए इनका प्रयोग आने वाले समय में युवा शक्ति का किया जाएगा, ताकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने शासन के अंदर अच्छा प्रशासन दे सके। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।